नमस्कार दोस्तों, मैं तोशी मंडोला। महाराष्ट्र का मॉब लिंचिंग मामला अब देखिए तोड़ पकड़ता हुआ जा रहा है। भारत में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को दूसरे लॉकडाउन की घोषणा भी करी, जो कि 3 मई तक के लिए अब कायम है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन कायम है। उसके बावजूद महाराष्ट्र में कैसे एक भीड़ होती है, गांव की एक भीड़ 3 लोगों की सरेआम हत्या कर देती है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन को लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस जो भीड़ है इसके बारे में पता नहीं चलता है। कैसे जो पुलिस प्रशासन होता है उसके नाक के नीचे ये भीड़ 3 लोगों की हत्या कर देती है। आपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें गांव वाले लकड़ी कुल्हाड़ी पत्थर लेकर तीनों साधु और दोनों साधु को और उनके ड्राइवर को मार रहे होते हैं। और भीड़ में दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी कैसे उन मृतक जो मृतक अब मर चुके हैं उनका हाथ छटकाते हुए भीड़ के हाथ उनको सौंप देते हैं। ये तमाम सवाल है जो पुलिस प्रशासन पे और उधर सरकार पे खड़े हो रहे हैं। साथ ही भाजपा देखिए अब जिस तरीके से अलग अलग बयानबाजी कर रही है इस पूरे मसले को, जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल यानी कि एक हिंदू मुस्लिम का जो रंग देने की कोशिश कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। भाजपा के दिग्गज नेता कह सकते हैं हम, जो आप पार्टी पे पहले थे और अब हाल ही में भाजपा ज्वाइन कर रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव हार चुके हैं कपिल मिश्रा, मैदान में उतरे थे लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल के साथ उतरे थे, उसके बाद भी करारी शिकस्त उनकी हुई है। अब इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। इन तमाम सवालों के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में सरेआम भीड़ जो है मॉब लिंचिंग कर देती है और 3 लोगों की हत्या हो जाती है। लेकिन ये 3 लोग आखिर है कौन और क्यों जो मॉब लिंचिंग का मामला इस पूरी वीडियो में सामने आता है। तो दरअसल बात ये है कि ये 3ों में से 2 जो लोग हैं वो जूना अखाड़ा की संत हैं और वो कांदिवली से होते हुए मुंबई के रास्ते से होते हुए गुजरात उनको पहुंचना था अपने मित्र के अंतिम संस्कार को लेकर। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन कायम है तो रोड के रास्ते पे जाना थोड़ा असंभव था, इसलिए इन्होंने गांव का रास्ता चुना। अब ऐसे में इस गांव में यानी कि पालघर में एक अफवाह उड़ रही थी बच्चा चोरी को लेकर और इसी अफवाह का शिकार हुए ये 3ों लोग, यानी कि 2 लोग जो 2 संत है और उनका ड्राइवर। और इस वीडियो में हम जैसे देख रहे हैं कि लगातार जो भीड़ है उनके हाथों में कुल्हाड़ी है, पत्थर है, उनको ना पुलिस प्रशासन का खौफ है ना उनको किसी कानून व्यवस्था का खौफ है। कई पुलिसकर्मियों को भी जख्मी किया है इस भीड़ ने। पागल भीड़ कहना या जाहिल भीड़ कहना ये शायद थोड़ा सही शब्द होगा। इन लोगों 3ों लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है, लेकिन आखिर ये लोग थे कौन? इनमें से 2 संत थे जूना अखाड़ा के, एक उनका ड्राइवर था। अब बात करते हैं उनकी पहचान 35 वर्षीय सुशील गिरी महाराज, 70 वर्षीय चिकने महाराज और 30 वर्षीय नीलेश तेलगड़े यानी कि जो ड्राइवर था उसके रूप में हुई है। ये 3ों ही जो थे सूरत के लिए, गुजरात के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जिस तरीके से गांव का माहौल था, बच्चा चोरी को लेकर अफवाह उड़ रही थी। हम देखते हैं कि लगातार जब मॉब लिंचिंग का मामला सामने आता है तो ये अफवाहों की ही देन होती है। अगर गौकशी का मामला हम देखते हैं, जितनी हमने लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो देखी है, तो अफवाहों के चलते जो है सरेआम सरी भीड़ जो है वो मौत के घाट उतार देती है लोगों को। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, उधर सरकार पे लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और कई राजनेताओं की अपनी अपनी अलग प्रतिक्रिया आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह की तरफ से उद्धव ठाकरे को फोन किया गया था और इनसे पूरी कार्यवाही की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। वही अगर योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो उन्होंने भी उद्धव ठाकरे सरकार से फोन के माध्यम से जो गुनहगार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करी है। तो अभी तक इस पूरे मामले पर हुआ क्या है? इस पूरे मामले को अगर हम देखते हैं, मॉब लिंचिंग का मामला था तो 1 से 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 9 जो लोग थे वो नाबालिग है। इन सभी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। नाबालिग 9 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। 30 अप्रैल तक इन सबकी कस्टडी जो है वो होने वाली है। साथ ही इस पूरे मामले पर लापरवाही का मामला भी कहीं ना कहीं सामने आया है, तो 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। उधर सरकार जो है खतरे में है, कलंकित
सरकार यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति जब हर कोई अपने घर में रह रहा है, उसके बाद भी कैसे एक भीड़ होती है, गांव में भीड़ घूम रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि भीड़ भी इकट्ठा है और कैसे 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये तमाम सरकार सवाल जो है उधर सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आश्वासन देते हुए सरकार दिखाई दे रही है कि हम इसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले के बीच राजनीतिक रोटियां सेकते हुए राजनेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह हम आम नागरिकों को तय करना है कि मॉब लिंचिंग का मामला, 3 लोगों की हत्या हो जाती है, तो क्या हमें इसे हिंदू मुस्लिम में बांटना है या फिर हमें इंसाफ चाहिए और गुनाहगारों के खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया होती है।